स्टूडेंट्स, आई एम अधिपाल सर फ्रॉम एकनो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। ओके, आपके पास कोई अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहां पे क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, वी दे रखा है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। ओके, किरण आरेख कीजिए और आपने बताना क्या है कि बिंब की दूरी क्या है। तो ये देखो, आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी आपको पता है, इस लेंस के अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा याद रखना, नेगेटिव क्यों होती है, ये देखो, इधर जो डिस्टेंस होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं। ये अपनी लाइट को इस साइड ही क्या करता है, इकट्ठी करता है, क्योंकि दूसरी साइड तो डाइवर्ज हो रही है ना, फैल रही है लाइट। ये देखो, इधर चली गई, दूसरी साइड तो डाइवर्ज हो रही है, तो डॉट डॉट करके हम यहाँ पे लाते थे। तो यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी जो एफ है वो -15 सेंटीमीटर रहेगी, तथा प्रतिबिंब की लेंस की दूरी, अब यहाँ पे वी है। अब देखो वी क्या है, यहाँ पे बन रही इमेज है ना, इमेज भी तो इधर ही बनी है, ये बनी हुई छोटी सी इमेज। ओके, ये आपको दिख रही है ए डैश बी डैश। ओके, तो ये भी इमेज इधर बन रही है, तो ये भी माइनस में होगी। तो आपने अब निकालना क्या है, बिंब की लेंस से दूरी निकालनी है, यू निकालना है। आपको फार्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो 1/f क्या है, f आपके पास -15 सेंटीमीटर। ये देखो आपका यहाँ पे चल रहा है, ये देखो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के अंदर f की वैल्यू पुट की -15 सेंटीमीटर, अब v की वैल्यू पुट की -10 सेंटीमीटर, u वैसे का वैसे है यहाँ पे। ओके, ये सारी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1/u का हमने सोल्व करना है, तो 1/-10 उस साइड चला जाएगा। ओके, तो 1/ इस तरीके से आप सोल्व करोगे, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, -3 + 2 और -1/30 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो ये u की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ फार्मूला और जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। सेकेंड न्यूमेरिकल है 12th, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ओके, यहाँ पे देखो फोकस दूरी भी दे रखी है, उत्तल दर्पण है अब इस बार, और बिंब की दूरी भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब u दे रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, आपने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है, तो दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब ये याद रखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है और बिंब की दूरी तो हमेशा ही नेगेटिव रहती है। उसी फार्मूला के अंदर आप क्या करोगे, दर्पण वाले, ये हमारा लेंस वाला फार्मूला था, दर्पण का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, 1/v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/v की वैल्यू 1/6 आएगी, इस v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ये फार्मूला आपको क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कशन करवा दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। अब देखो, जब भी आवर्धन 1 दे रखा हो और ऊपर से +1 दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है सीधा और आभासी, और 1 का मतलब होता है सेम साइज। प्लस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। 1 से हमें ये पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो ये आप देख लोगे, आवर्धन का मतलब ये होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी, प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है। ओके, आवर्धन आप निकाल सकते हो। ओके, तो आज हम ये 3 ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, अपने अच्छे से ये इसको क्या करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। ओके, समझना है, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। ओके, तो ये सारे आपके फेयर नोटबुक पे कंप्लीट होने चाहिए, और जो आप ये क्वेश्चन आपको क्लासरूम में भी एक्सप्लेन करवा दिए जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, बाय।